आज मेरे लिए ये भावुक क्षण है कि आज ये राम जन्मभूमि बनने का सौभाग्य हो रहा है। पिताजी कभी कहा करते थे, जिस बाबरी विध्वंस में मैं गया था, पता नहीं इस राम जन्मभूमि को मैं देख पाऊंगा या नहीं, लेकिन आज मेरे लिए यह सौभाग्य का विषय है कि आज राम मंदिर बनता हुआ दिख रहा है। हजारों साल से हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे और आज हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है और हम अयोध्या जाके इस चीज का जरूर भगवान को ये करेंगे कि हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज वो हमारे घर आए हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन को लेकर अयोध्या से कलश में अक्षत रूपी निमंत्रण भागलपुर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लाया गया है, जिसे घर घर बांटा जा रहा है। इस दौरान कलश में जो अक्षत आया है उसको शोभा यात्रा के रूप में भागलपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाला गया, जो पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों को 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचने के लिए निमंत्रित किया जा रहा है। देखिए, अक्षत रूपी निमंत्रण मिलने के बाद जो श्रद्धालु हैं, जो श्री राम के भक्त हैं, वे काफ़ी भावुक हो गए हैं और उनका कहना है कि कई पुस्तों के इंतजार के बाद यह क्षण आया है। देखिए, भागलपुर में श्रद्धालु निमंत्रण मिलने के बाद किस तरह भावुक हो गए हैं और क्या कह रहे हैं। आज मेरे लिए ये सौभाग्य का क्षण है, मैं दूसरी पीढ़ी का लोग हूँ जिसके पिता बाबरी विध्वंस में गए हो, जिसके मेरे पिता ने अग्रिणी भूमिका निभाते हुए उस बाबरी मस्जिद की जो विवादित ढांचा कहे जाने वाला था, जिसे राम मंदिर को तोड़ कर बनाया गया था, उसे तोड़ने में कोई भूमिका निभा, मेरे पिताजी ने भी, इसीलिए मेरी वहां से जुड़ी हुई आस्था है। आज मेरे लिए ये भावुक क्षण है कि आज ये राम जन्मभूमि बनने का सौभाग्य हो रहा है। पिताजी कभी कहा करते थे, जिस बाबरी विध्वंस में मैं गया था, पता नहीं इस राम जन्मभूमि को मैं देख पाऊंगा या नहीं, लेकिन आज मेरे लिए यह सौभाग्य का विषय है कि आज राम मंदिर बनता हुआ दिख रहा है और 22 जनवरी को जो राम मंदिर बन रहा है उसके लिए आज भागलपुर वासियों में उत्साह है। उनके पास आकर मैं निमंत्रित कर रहा हूँ कि आइए, चलो चले अयोध्या और वहां जाकर भव्य मंदिर बनते हुए उस इतिहास का साक्षी बने जो ऐतिहासिक दिन है, जिसे कई लोगों ने अपना बलिदान दिया, 500 बरस के इंतजार के बाद एक राम मंदिर देखने के लिए मिल रहा है। यह हमारे लिए सौभाग्य का बात है, मेरे लिए गर्व का बात है। हम लोग को बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आज हमारे यहाँ ये आमंत्रण आया है। हजारों साल से हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे और आज हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है और हम अयोध्या जाके इस चीज का जरूर भगवान को ये करेंगे कि हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज वो हमारे घर आए हैं, हमें निमंत्रण दिया है, हमारे पूरे शहर को, हमारे पूरे देश को इसके लिए आमंत्रित किया है। घर में क्या कुछ तैयारी है 22 तारीख को लेकर? घर में हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि जिस दिन 22 तारीख को वहां तक हम नहीं भी पहुंच पाएंगे, लेकिन हम अपने घर में किसी भी तरह की कमी नहीं होने देंगे, हमें लगेगा हम अयोध्या में ही हैं। कोशिश रहेगा इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने की? हाँ, उसी क्षण के साक्षी बनने के लिए हम अपने घर में ही अयोध्या नगरी को लाने का प्रयास करेंगे। प्रीति शुक्ला। बहुत ही भावुक पल है, सदियों से हमारी कई पीढ़ियां राम मंदिर निर्माण के लिए बहुत अपेक्षाओं और बड़े ही माने भारी मन से 4 दशकों से मंदिर के बारे में कई निर्णय आ रहे थे। जब 2020 के अंदर मंदिर का भूमि पूजन हुआ, तब सनातनियों को लगा कि जो सनातन में आस्था रखने वाले प्रभु श्री राम हमारे अनुकरणीय हैं, वंदनीय हैं, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पदचिन्हों पे हम सभी चलते हैं, हमारे पिताजी शिला पूजन के साक्षी थे, यहाँ श्री श्री गौशाला के प्रांगण से शिला पूजन की तैयारियाँ हुई थी और ईटे अयोध्या गई थी, कई कार्य सेवक भी गए थे। बहुत ही भावुक पल है और हमारे लिए लाखों दिवाली के समान 22 जनवरी 2024 का दिन होगा, जो पुण्य आत्माएं परलोक सिधार गई है वो भी वहाँ से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से अयोध्या नगरी से साक्षात्कार करेंगे।
जय श्री राम। नीरज शुक्ला। भागलपुर में राम भक्तों का साफ कहना है कि वर्षों का इंतजार, वर्षों का सपना अब साकार होने जा रहा है और प्रभु श्री राम के भव्य राम मंदिर के उद्घाटन का वे सभी गवाह बनेंगे।